चंदन क्यारी सियाल जोड़ी स्थित वेदांता ईएसएल स्टील प्लांट से झारखंड ट्रांसपोर्ट से अपराध कर्मियों द्वारा गलत ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड गाड़ी के कागजात दिखाकर धोखाधड़ी कर रिंग वायर को रतलाम ले जाने के लिए लोड कराया गया था, परंतु थोड़ी ही देर बाद उक्त अपराधियों ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। इस मामले पर वादी धीरेन्द्र मिश्रा के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्रांसपोर्टरों और तकनीकी शाखा की मदद से गुप्त अभियुक्तों का लोकेशन पता कर बाहर आ घोड़ा थाना के पुलिस के सहयोग से बहरा घोड़ा थाना क्षेत्र जमशेदपुर में पकड़ा गया, जिसे बरामद कर कल सियालजोड़ी थाना ले जाया गया और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चास जेल भेजा गया। दिनांक 12/12/2022 यानी परसों वादी धीरेन्द्र मिश्रा के द्वारा शाम में लिखित सूचना दिया गया कि 11/12 को दो ट्रक, एक जिसमें उड़ीसा का नंबर और एक यूपी रजिस्ट्रेशन नंबर लगा हुआ, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाकर यहां से माल लोड कराकर ले गए। थोड़ी ही देर बाद दोनों का नंबर स्विच ऑफ आने लगा, तब से इनको संदेह हुआ और शक के आधार पर फर्जरी कर ट्रक गायब करने का लिखित सूचना दिया गया। पुलिस को सूचना मिलने के पश्चात तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्रांसपोर्टर तथा तकनीकी शाखा के सहयोग से ट्रक को ट्रेस किया जाने लगा। इसी क्रम में रोलेक्स ट्रांसपोर्ट के द्वारा ट्रक का पता कर बताया गया कि दोनों ट्रक घाटशिला से निकली है तथा ये जमशेदपुर पहाड़ा गोरा थाना पार कर उड़ीसा या बंगाल कोलकाता की तरफ जाने वाले हैं। तत्काल रुका जाए तो इनको पकड़ा जा सकता है। फिर मेरे द्वारा बहरागोड़ा थाना के थाना प्रभारी को सूचित किया गया और तत्पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने अपना गश्ती दल के सहयोग से दोनों ट्रक तथा चार अभियुक्त, जिसमें कि चालक और खलासी मौजूद थे, जिसमें एक भागने में सहयोग हुआ, चार को पकड़कर रखा गया। तत्पश्चात विशेष टीम वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार बनाकर सत्यापन करने तथा पकड़े गए ट्रक की जांच कर बरामद करने हेतु बोकारो से जमशेदपुर के लिए निकला। वहां पहुंचने पर उसी ट्रक जिस नंबर का आवेदन दिया गया था को पाया। लोगों से पूछताछ करने पर असंतोषजनक जवाब बताया, गहराई से पूछताछ किया गया तो उन्होंने अपराध को स्वीकारा। तत्पश्चात उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में